नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले का एक किस्सा है केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोइंग का। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, हालांकि वो बातचीत नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि संजीव गोइंग का, जो कि लखनऊ के मालिक है, वो केएल राहुल पर भड़क रहे हैं। क्यों भड़क रहे हैं? उस मैच में केएल राहुल ने शायद 33 बॉल्स में 29 रन बनाए थे। चलो वो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता उस बात का कोई इशू था, लेकिन बात ये हुई थी कि हैदराबाद ने मात्र 9 ओवर 4 गेंद में 161 रन बना दिए और टारगेट चेस कर लिया। तो भैया, ये सब चीजें होती है यार, टारगेट चेस हो रहे हैं इस बार। आपको भी पता है दिल्ली भी 10 ओवर में 132 रन बना चुकी है, तो इन्होंने 9 ओवर में 157 रन बना दिए, तो क्या हो गया? ऐसे तो हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ भी 262 रन बनाए और उन 262 का पीछा करते हुए मुंबई भी 242 रन तक पहुंच गई थी। ठीक वैसे ही हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ भी 288 रन बनाए, तो आरसीबी भी उस टारगेट का पीछा करते हुए 262 रन तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है सिर्फ लखनऊ की बॉलिंग धुली, भैया हर किसी की बॉलिंग धुली है, आरसीबी की धुली है, हैदराबाद की खुद की धुली है। जब वो टारगेट बनाते थे तो सामने वाली टीम पीछा भी कर लेती थी, लगभग पूरा नहीं करती थी। एक सबसे बड़ा किस्सा बताता हूँ, ये 261 रन बनाए थे किसने? केकेआर ने अपने होम ग्राउंड में, वहां पर 262 का टारगेट चेस कर लिया था किसने? पंजाब किंग्स ने। तो भैया रन तो बन रहे इस आईपीएल में। और ये संजीव गोइंग का बहुत घटिया आदमी है, मैं आपको बता दूं, जिस खिलाड़ी पे पूरी दुनिया शक नहीं करती है, जिस खिलाड़ी को पूरी दुनिया भगवान मानती है, एमएस धोनी, उसको इस खिलाड़ी ने कप्तानी से हटा दिया था। बात है पुणे सुपर जायंट्स की, सीएसके और राजस्थान बैन हुई थी 2016 में, हुई थी ना जहां तक मुझे याद है, 2016 और 2017 में नहीं खेली थी जहां तक मुझे याद है ये सीएसके और राजस्थान। उनकी जगह दो टीम आई थी, पुणे और एक आई थी गुजरात लायंस, पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। पुणे सुपर जायंट्स का मालिक कौन था? यही बंदा था संजीव गोइंग का। वहां पर फर्स्ट ईयर एमएस धोनी ने कप्तानी की 2016 में, जहां तक मुझे याद है उन्होंने कप्तानी की थी। और बात यह हुई थी कि पुणे सुपर जायंट्स ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, फिर उसने 2018 में किसको कप्तानी दे दी पता है आपको? स्टीव स्मिथ को। और 2017 में वो फाइनल में भी गई थी पुणे सुपर जायंट्स, और आखिरी ओवर में हार गई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो भैया माना, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में फाइनल में चली गई। ऐसे तो एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके भी एक बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं किए। वो 2020 का साल था जहां पर प्लेऑफ्स में पहली बार सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आईपीएल 2021 में ट्रॉफी भी जीत गई थी। आईपीएल 2021 में ट्रॉफी जीती थी सीएसके, और आईपीएल 2022 में गुजरात जीत गई, फिर आईपीएल 2023 में सीएसके जीत गई। तो भैया एक साल बुरा जाता किसी कप्तान का तो आप ऐसे करोगे? अरे वो तो केएल राहुल शरीफ है, मतलब केएल राहुल किसी से भी मुजोरी नहीं करते हैं, वो उनको जो भी कुछ बोलता है ना वो सुन लेते हैं। आपने देखा केएल राहुल को किसी से बदतमीजी करते हुए या मुजोरी करते हुए? एक बात मान लो, विराट कोहली, विराट कोहली ने भी आरसीबी की खूब कप्तानी की, हालांकि आरसीबी भी विराट कोहली की कप्तानी में 10वें नंबर पर भी रही है। ये तो फॉफ डुप्लेसिस आए, इनकी कप्तानी में भी अभी 10वें नंबर पे थी, वो तो लगातार 5 मैच जीत गई तो ये वो 5वें नंबर पर। तो दोस्तों कप्तान बुरा नहीं होता, ये तो हालात बुरे होते हैं। जैसे शाहरुख खान, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर उनकी तारीफ करते हैं, वो कभी भी टीम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, वो पूरी फ्रीडम देते हैं, कहो ये आपको जैसा करना आप वैसे करिए और टीम के लिए जो बेहतर हो वैसे डिसीजन लीजिए। लेकिन ये संजीव गोइंग का, इसके दिमाग में क्या भरा है? इसको प्रॉफिट की चिंता है ना। अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ, मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ ना तो बोलता ही रहता हूँ। हालांकि दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है, ये जो झड़प हुई है ना इसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है ये टीम के जो मालिक कौन रहते हैं ना, ये बिजनेसमैन होते हैं, इनको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मतलब होता है, इनको टीम की हार जीत से कोई मतलब नहीं होता है, इनको किसी से चीज से भी कोई मतलब नहीं होता है, इनको क्रिकेट से लेना देना कुछ नहीं होता है कि कौन सी टीम आज अच्छा खेल गई, कौन सी टीम बुरा खेल गई, किस टीम की गलती है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ये ऐसा वीरेंद्र सहवाग ने कहा है, और वीरेंद्र सहवाग बड़े खरे इंसान है, जो बोलते मुंह पे बोलते सच बोलते। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये ऐसे इंसान है जो होता मुंह पे बोलते थे सच बोलते थे, मतलब इनके मन में कोई कपट नहीं होता, ये जो होता मुंह पे बोलते थे, और सही बोला उन्होंने। और एक बात और बोली है, भले ही लखनऊ हार जाए लेकिन 400 करोड़ तो आप वैसे भी कमाओगे, ये बात भी है दोस्तों। ऐसे तो हर साल एक ही टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतती है ना, लेकिन फिर भी हर साल ये मालिक कौन टीम बनाते हैं ना, खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं, मेगा ऑक्शन में बड़े बड़े महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदते, क्यों खरीदते पता है?
अरे हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए कमाते हैं ये मालिक कौन, अगर इनकी टीम जीत गई तो ज्यादा कमा लेते, लेकिन फिर भी 400 500 करोड़ रुपए तो इनके कहीं नहीं जाते हैं आईपीएल में। इसलिए मालिक कौन अपनी टीम को खिलाते हैं। वो हैदराबाद इस साल थोड़ा ठीक ठाक कर रही है, नहीं तो पिछले कितने सालों से खराब कर रही थी। वो पंजाब किंग्स पिछले कितने सालों से खराब कर रही थी। आरसीबी भी ठीक ठाक ही करती है लेकिन ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई ना, लेकिन फिर भी ये क्यों खेल रही है? पैसा कमा रहे भैया। लेकिन किसी भी मालिक को अपनी टीम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप करो आप कुछ हद तक कि यार क्या हो रहा है यार, मैच क्यों नहीं जीत पा रहे हम, तो वो एक बात होती है। और वैसे भी केएल राहुल ने कोई बुरी कप्तानी नहीं की है। लखनऊ पिछले साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करी थी, उसके पहले नंबर 5 पर आई थी आईपीएल 2022 में, और पिछले साल क्वालिफाई करी आईपीएल 2023 में। आईपीएल 2024 में भी ठीक ठाक सी पोजीशन है उनकी, छठे सातवें नंबर पर माना, लेकिन इस बार तो हर टीम ही हार रही है। आरसीबी खुद प्लेऑफ्स की रेस में है लेकिन वो भी अपने 7 मैच हार चुकी है आरसीबी भी, और ये अपने 6 मैच हार गई लखनऊ। हालांकि मैं ये बात कह रहा था केएल राहुल कुछ ज्यादा ही सीधे, वो जवाब नहीं देते, वो मुझोड़ नहीं है, उनकी आदत नहीं है कि किसी को पलट के जवाब दें। यहीं पर विराट कोहली होते ना और वो ऐसे हाथ दिखा दिखा के वो कर रहा था ना, वो ताने दे रहा था केएल राहुल में, विराट कोहली होते ना तो ये जो हाथ निकाला ना ये जहां से आया ना वहीं भर देते हाथ। विराट कोहली से कोई ऐसी मुजोरी नहीं कर पाता, इसलिए बोल रहा हूँ केएल राहुल शरीफ है सीधे, इसलिए वो लखनऊ का मालिक इतना बोल गया। अगर विराट कोहली के सामने उसकी हिम्मत है तो बोल के दिखा देता, नहीं बोल पाता हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको। विराट कोहली आपको पता ना कैसे एक्शन वाले हो, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।